हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों, आज जैसा कि एसएससी सीपीओ का एग्जाम हो रहा है, दो शिफ्ट के एग्जाम हो चुके हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए एग्जाम के एनालिसिस लेके आया हूँ कि किस कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, बात करते हैं रीजनिंग चैप्टर से बात करते हैं। जो रीजनिंग एक सेक्शन है, इसमें किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर बात करें डायरेक्शन से, तो डायरेक्शन से आपके दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ब्लड रिलेशन से भी दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। काउंटिंग फिगर से भी क्वेश्चन आया, ट्रायंगुलर काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन आया था। ऐसे क्वेश्चन भी दो क्वेश्चन आए थे आपके लिए, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करें तो इसमें तीन क्वेश्चन था आपसे पूछा गया था, दोनों शिफ्ट का बता रहा हूं मैं ओवरऑल, तो इसमें तीन क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। साइलो का अगर बात करें तो साइलो के क्वेश्चन भी तीन आ रहे हैं, साइलोजिज्म के भी तीन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नंबर सीरीज से भी तीन क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड्स। इस तरह के पैटर्न में आप एसएससी के जितने भी पैटर्न देख रहे हैं, तो उसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखिए, अल्फाबेटिकल सीरीज से दो क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, पेपर कट से दोस्तों एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन पेपर कट से भी आपके लिए आ रहा है, ठीक है। इम्बेडेड फिगर से आ रहा है क्वेश्चन, इम्बेडेड फिगर से दो क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। इसमें क्या छिपी हुई आकृति को फाइंड आउट करना है, यही हो गया इम्बेडेड फिगर्स, ठीक है। दो क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर बात करें, बस ये हो गया, ये आपका क्या था, रीजनिंग का सेक्शन था। और भी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, लेकिन ये सब जो मुझे पता चला है, ये सब सेक्शन से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। आप रीजनिंग में 50 के 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। अगर बात करें मैथ का, तो मैथ में देखिए किस किस सेक्शन से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ रहा है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रेंड। फिर आपके एससीएफ एलसीएम से क्वेश्चन आ रहे हैं, एलसीएम से क्वेश्चन आ रहे हैं। एरिया और वॉल्यूम से भी क्वेश्चन आया है, एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन आया, जैसे कि स्फीयर्स आपको दिया, उसको मेल्ट करके आपको दूसरा स्फीयर्स बनाना है, तो आपको पूछा है कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स और बन सकते हैं, ठीक है, या उसका रेडियस पूछ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर रोम्बस से एक क्वेश्चन आया है एरिया से रिलेटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर बात करें तो एसआई से सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आ रहा है, और सीआई से भी क्वेश्चन आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ रहा है। फिर पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में आपका एरर से 5 क्वेश्चन पूछे आ रहा है, एरर से। अगर प्रीवियस ईयर्स के जो भी कैंडिडेट प्रीवियस ईयर्स के किताब को पढ़े एमयू पब्लिकेशन के, तो वो सब क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर अगर बात करें इंप्रूवमेंट की, तो इंप्रूवमेंट में आपके 5 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। फिलर से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें कहा जाए तो प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड फिलर्स आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला अगर बात करें तो रॉन्गली स्पेल्ड से भी 5 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, कि आपको बता रहे हैं कि कौन रॉन्गली स्पेल्ड है, ठीक है, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। बात करें वन वर्ड का, तो वन वर्ड से भी 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के ही आ रहे हैं, जो पहले पूछा जा चुका है वो आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की, इडियम्स एंड फ्रेजेस से भी आपके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और साइनो एंटो से आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, साइनो और एंटो से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। और बात करें पैसिव और क्लोजेस की, तो पैसिव प्लस क्लोजेस दोनों से मिला के आपके 10 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, क्लोजेस कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं जीए की, तो जीए मैंने पहले ही बताया आपको, करेंट अफेयर्स पहले की वीडियो में बताया है, करेंट अफेयर्स जो कि है पिछले 3 महीने के पूछे आ रहे हैं, पिछले 3 मंथ के करेंट अफेयर्स आ रहे हैं, ठीक है। और स्टैटिक जीके भी बहुत सारे पूछे आ रहे हैं, जैसे कि आपसे डांस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है, फॉक डांस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, ठीक है। तो स्टैटिक जीके पूछा जा रहा है, करेंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, और हिस्ट्री से भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन, हिस्ट्री हो गया, साइंस से भी पूछे जा रहे हैं, जीएस से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे चौसा का युद्ध आपसे पूछा गया, इतिहास में पूछा गया है, स्टैटिक जीके में बता दिया मैंने आपको, जैसे कि ये फॉक डांस पूछा गया है, ठीक है। अगर करेंट अफेयर्स की बात करें तो प्रो कबड्डी के विजेता कौन है 2019 के, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया आपके जीएस सेक्शन से, इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप एक बार जाके अभी पब्लिकेशन में बुक को जरूर पढ़ें, और ये सब चैप्टर्स की आप फॉर्मूले को देख ले, एक बार प्रैक्टिस कर ले, हो सके तो सेट्स को भी बना ले, ठीक है।
और रीजनिंग में आप तो 50 अटेम्प्ट करके आइएगा, इंग्लिश में भी 50 अटेम्प्ट करके आइएगा। तो फ्रेंड्स ये था पहले दो शिफ्ट का एनालिसिस। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आगे आपको आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा या फायदा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल हमारे सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि आगे हम इस तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।